हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल विच द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक। इन इंग्लिश ग्रामर बुक ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में ए एन एंड द आर आर्टिकल्स हैं। ये वो शब्द होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड नाउन को मीन्स नाउन को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक डिटरमिन करते हैं। जैसे ही यहाँ पर लिखा है एन आउल अ ट्री। अगर हम देखो वैसे ही एन आउल या अ ट्री की बात कर रहे हैं तो मीन्स हम वैसे ही किसी आउल और ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम आउल से पहले यहाँ से पहले की द लगा देते हैं और ट्री से पहले भी द लगा देते हैं, इट्स मीन्स हम किसी स्पेशल आउल और स्पेशल ट्री की बात कर रहे हैं। सो आर्टिकल जो होते हैं वो किसी नाउन को स्पेशल या अनस्पेशल कोई अनस्पेसिफिक डिटरमिन करते हैं। जैसे कि अ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अ होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जिनके उच्चारण के समय आवाज़ हवा हमारे फेफड़ों से रुकावट मुंह से जब बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं पर मुंह में वो रुकती है, पाउस होती है। जैसे कि प फ, तो उनके उच्चारण के समय वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम अ का यूज़ करेंगे। और एन ए यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड्स। वॉवल साउंड्स वो होते हैं जिनके उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, जैसे कि अ आ ई ऊ ओ एटसेट्रा। तो उन वॉवल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करेंगे, जैसे कि एन आउल, यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है। एन एम ए, यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है। सो हमने यहाँ पर एन यूज़ किया है। यहाँ पर अ बर्ड और अ बी, यहाँ पर बी की आवाज़, मतलब मीन्स ए कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है। तो इनसे पहले हम अ का यूज़ करेंगे। वांट्स टू रिमेंबर ए और एन ए यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल। मीन्स हम किसी सिंगल नाउन से जो कि काउंटेबल है उससे पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। वैसे तो आर्टिकल ए एन और द होते हैं, लेकिन आज इस चैप्टर में हम सिर्फ ए और एन के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें इन्हें फिल करना है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। देखो वॉवल लेटर्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। मीन्स वॉवल साउंड्स वो होती हैं जिनमें अ आ ई ऊ ओ ऐसे वॉवल साउंड होते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज़ करेंगे और बाकी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। शी इज़ डैश, आपकी बुक में जो फर्स्ट सेंटेंसेस है, सेंटेंस क्या है, शी इज़ डैश अगली गर्ल। यहाँ पर अ है तो ये वॉवल लेटर, लेकिन जो इसकी साउंड आ रही है वो अ वॉवल नहीं आ रही है, बल्कि एक सॉरी अगली गर्ल, अगली अ की साउंड आ रही है। तो शी इज़ डैश अगली गर्ल, वाउल की साउंड आ रही है, तो हम एन यूज़ करेंगे। वाराणसी इज़ डैश हॉली सिटी, यहाँ पर ह एक कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, सो ए इज़ सुइटेबल हियर। ही इज़ नॉट डैश ऑनेस्ट, यहाँ पर लिखा तो एच है, कॉन्सोनेंट है लेकिन एच साइलेंट है, और ओ मीन्स ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, एक वाउल की साउंड आ रही है, सो एन इज सुइटेबल है बिकॉज वाउल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, यहाँ पर देखो यू एक वाउल लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो वाउल नहीं आ रही बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, सो इसकी यूजफुल यूजफुल, सो अ इज सुइटेबल हियर। ही रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर, यहाँ पर एच साइलेंट है, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन एच साइलेंट है, अ की आवाज़ आ रही है, मीन एच तो बस ये साइलेंट है, इसको नहीं स्पीक करना हमने, और एन इज सुइटेबल हियर। फ्रेंच इज डैश ईजी लैंग्वेज, ई की आवाज़ आ रही है, अ आ ई ऊ ई, सो एन इज सुइटेबल हियर। अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प, वो एक कॉन्सोनेंट है, सो अ इज सुइटेबल हियर। मीशा हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, अ की आवाज़ आ रही है, सो एन इज सुइटेबल हियर। आई अबाउट डैश हॉर्स, ह की आवाज़ आ रही है, सो अ इज सुइटेबल हियर। एंड डैश ऑक्स, ओ की आवाज़ आ रही है, सो एन इज सुइटेबल हियर। यस्टरडे डैश यूरोपियन, यहाँ पर ई साइलेंट है, ई वॉल लेटर है लेकिन ई साइलेंट है, यूरोपियन,
also any suitable here. Came to a shop. I met him. आपकी बुक में बेटा ये सेंटेंस नहीं दिया गया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ईयर से पहले एन लगा देते हैं, तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस खुद अपने वैसी विदाउट बुक यहाँ पर लिख लिया है, जो आपकी बुक में सेंटेंस नहीं दिया गया वैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर. आई मेट हिम डैश ईयर यस्टरडे. यहाँ पर बेटा इसको की आवाज़ देती है जी. ईयर यस्टरडे आई मेट हिम ईयर यस्टरडे यस्टरडे. सो आपने साउंड्स देखनी है, जहाँ पर भी वाउल साउंड आएगी उससे पहले एन का यूज़ करोगे. और यहाँ पर वाउल साउंड नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए का यूज़ करोगे.